अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ये कहानी आई द्वारा बनाई गई है और वास्तविक नहीं है। धन्यवाद। विशाल सवाना में सूरज डूब रहा था। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा हुआ था। एक शेरनी लंबी घास के बीच बैठी थी। उसके बच्चे उसके चारों ओर मस्ती कर रहे थे। उनके छोटे छोटे पंजे एक दूसरे पर चंचलता से झपट रहे थे। हवा में उनकी खुशी भरी चहचहाहट गूंज रही थी, मासूमियत और प्यार का एक कोरस। शेरनी, जिसका सुनहरा फर शाम की रोशनी में चमक रहा था, अपने बच्चों को गर्व और कोमलता के मिश्रण के साथ देख रही थी। एक क्रूर रक्षक और एक कोमल माँ, एक साथ। उसके बच्चों की हर चंचल हरकत उसकी अंबर आंखों में गर्मी को और गहरा कर देती थी। उन्हें जंगली विस्तार में सुरक्षित रखने का एक मौन वादा, जो उनका खेल का मैदान और उनका घर दोनों था। शांत दृश्य दूर से प्रतिद्वंद्वी शेर के झुंड की पुकार से बिखर गया। आवाज हवा में ब्लेड की तरह कट गई, जिससे शेरनी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। एक पल में उसके चंचल बच्चे शांत हो गए। उनके कान चिंता से खड़े हो गए। हवा में खतरा साफ झलक रहा था और शेरनी जानती थी कि उसे अपने प्यारे बच्चों की रक्षा के लिए तेजी से काम करना होगा। एक धीमी दहाड़ के साथ उसने अपने शावकों को अपने पास समेट लिया। उनके छोटे शरीर सुरक्षा के लिए उसके गर्म पेट से सटे हुए थे। क्षितिज पर मंडरा रहे खतरे का सामना करने के लिए उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के सामने भयंकर अवज्ञा की एक चमक। शेरनी अपने शावकों को सवाना के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर ले गई। एक अनुभवी शिकारी के कौशल के साथ खतरनाक इलाके को पार करते हुए वे रात के अंधेरे में यात्रा कर रहे थे। ऊपर चमकते हुए तारे मानो उन्हें उनके मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे हों। लेकिन प्रतिद्वंद्वी शेर अपने पीछा में अथक थे। उनकी परछाइयां हर गुजरते पल के साथ और करीब आ रही थीं। भूख शेरनी के पेट को कुतर रही थी। हाथ में दांव की एक मूक याद दिला रही थी। वह जानती थी कि उसे अपने दुश्मनों को मात देनी होगी और अपने बच्चों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि वे उसकी विरासत, उसका गौरव थे। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी शेरों के पंजे उनके चारों ओर घिरे, शेरनी ने खुद को एक संकरी घाटी में फंसा पाया। उसकी पीठ कठोर चट्टान से सटी हुई थी। उसके शावक उसके पीछे दुबके हुए थे। आत्मविनाश से डर के मारे कांप रहे थे। खतरे की गंध हवा में भारी थी। एक दमघोटू धुंध जो उसके भीतर आशा की चिंगारी को बुझाने की धमकी दे रही थी। भारी मन से शेरनी को एहसास हुआ कि यह रेखा का अंत हो सकता है, कि उसके सभी संघर्ष और बलिदान इस कष्टदायक क्षण की ओर ले गए थे। असफलता का भार उस पर दबा हुआ था, एक कुचलने वाला बोझ जो उसके भीतर जलती हुई प्रचंड रोशनी को बुझाने की धमकी दे रहा था। निराशा ने शेरनी को अपने बर्फीले पंजों में जकड़ लिया। उसका दिल अपने शावकों को खोने के डर से भारी था, लेकिन जैसे ही उसने उनकी चौड़ी मासूम आंखों में देखा, उसके अंदर एक नई ताकत उमड़ पड़ी। उसे अपने द्वारा सीखे गए सबक याद आ गए। प्यार और परिवार के बंधन जिन्होंने उसे कठिनाई और जीत के माध्यम से सहारा दिया था। घाटी में गूंजती भयंकर दहाड़ के साथ शेरनी ने अपने शावकों और खुद को अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई के लिए इकट्ठा किया। यह उनके लिए गणना का क्षण था। भाग्य को चुनौती देने और समय की रेत में अपना भाग्य लिखने का उनका मौका। अपने शावकों के लिए बिना शर्त प्यार के स्रोत से शेरनी ने एक ऐसी आदिम क्रूरता को उजागर किया, जिसे प्रतिद्वंद्वी शेरों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शक्तिशाली शरीर की हर नस उसके अधिक संकल्प का प्रमाण थी, जो उसके भीतर प्रज्वलित अदम्य भावना का प्रतीक थी। बिजली की तेजी से हमलों और रणनीतिक युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला के साथ उसने अपने हमलावरों को एक घातक अनुग्रह के साथ रोक दिया।
जिसने उन्हें विस्मय में छोड़ दिया। उसके शावक उसकी बहादुरी से उत्साहित होकर उसके बगल में खड़े थे, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके छोटे रूप अतिक्रमणकारी रात के खिलाफ मासूमियत और दृढ़ संकल्प की ढाल थे। इच्छाओं के एक बहरे टकराव में ज्वार शेरनी और उसके शावकों के पक्ष में बदल गया। प्रतिद्वंद्वी शेर पराजित और नम्र रहा, मात्र प्रेम और अटूट साहस की विशुद्ध शक्ति से पराजित होकर छाया में चले गए। घाटी एक बार फिर शांत हो गई। शेरनी की जीत की प्रतिध्वनि एक आदम ढोल की तरह शांति के माध्यम से गूंज रही थी। वह ऊंची और राजसी खड़ी थी, उसके शावक उसके बगल में सुरक्षित थे। एक माँ के प्यार की ताकत और दृढ़ता का एक जीवित प्रमाण। जैसे ही भोर की पहली किरण सवाना पर पड़ी, आकाश को रंगों की सिंफनी में रंग दिया, शेरनी और उसके शावक घाटी से बाहर निकले। खतरे और अनिश्चितता से भरी दुनिया में आशा और लचीलेपन की एक किरण। साथ में वे एक नई यात्रा पर निकल पड़े। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत और अटूट था। उनकी क्षणभंगुर जीत की सुंदरता शेरनी पर खोई नहीं थी। ये जंगल में जीत की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है, अस्तित्व के लिए शाश्वत संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और इसलिए शेरनी और उसके बच्चे सवाना में घूमते थे, जो परिवार की शक्ति और जंगल की अटूट भावना का एक जीवंत प्रमाण है।